नमस्कार दोस्तों, ऑल इन चैनल 36 में फिर से स्वागत है आपका। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दें। लाइक करने के हमें पैसे नहीं मिलते हैं, बस मोटिवेशन होता है कि बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चे का, जो छोटा बच्चा होता है उसे दांत जो निकलते हैं तो काफ़ी परेशानियाँ होती है उसको। परेशानियाँ ये होती है कि किसी किसी बच्चे को तो सर्दी से नाक बहना से दांत निकलता है, और किसी किसी बच्चे में ये होता है कि लेटरिंग करते करते बच्चा तबाह हो जाता है, उसमें परेशानी, बच्चा सुस्त भी हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल रामबाण इलाज है, और ये हमारी मौसी दादी लोग जानती भी है कि हाँ ये करने से। मैं भी अपने बउआ पर ट्राई किया है, मतलब इस मेरे दो बाबू हैं तो दोनों पे ट्राई किया, तो दोनों पे शूट किया और दवा उतना फ़ायदा नहीं किया जितना ये फ़ायदा किया। तो आज मैं बता रहा हूँ, देखिए ये हम थोड़ा नर्सरी में आ गए हैं तो नर्सरी में ही ये पौधा आपको मिलेगा। अगर ये घर पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पौधे के बारे में हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पौधा बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में आप लोग काफ़ी जानते हैं लेकिन उपाय जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैं ये आपको क्लियर बता देता हूँ। तो देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए और खोजना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए। तो मेरे घर में तो ये पेड़ नहीं था, तो मैंने इसे ढूंढा नर्सरी में आके और उनसे बोला कि, और उनको ये करके भी दिखाया तो उनको बोला कि नहीं, फ़ायदा तो होता है, बहुत ही फ़ायदा होता है। और बच्चा दवा खाते खाते फिर भी लैटरिन नहीं रुकता है, इससे लैटरिन बिल्कुल रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा और बच्चे में कोई परेशानी नहीं होगी। और वीडियो को पूरा देखें, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है क्या करना है। तो ध्यान से देखें वीडियो को। तो मैं आ गया हूँ अब अपने स्थान पर। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए अनार के पौधे हैं, ध्यान से देखेंगे अनार के पौधे हैं। अनार के पौधे को अब हमको इसकी कली खोजना है, कली जो फूल वाली कली होती है, हल्के से फल छोटे छोटे लगे होते हैं उसको खोजना है। तो चलिए मैं खोजते हैं, देखता हूँ कहाँ पे है वो कली। तो ध्यान से देखेंगे ये पौधा, अगर घर में है तो घर में उद्यम, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखेंगे, इसको आजमा कर देखेंगे, इसमें कोई खर्च नहीं लगेगा और इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। माता और बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आजमा के देखें। अगर छोटे बच्चे हैं, दांत निकलने में परेशानी हो रही है, लैटरिन ज़्यादा हो रहा है, तो इसे करके देखें। ये देखिए हम इसको ढूँढ रहे हैं कि कली कहाँ है, थोड़ा वक्त लगेगा, जंगल भी घना है, थोड़ा डर भी लग रहा है। तो इसमें होगा, मैंने दो दिन पहले इसमें देखा था कहाँ, तो इसलिए इसको, मेरे घर में तो ये पौधा नहीं है, आपके घर में होगा तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। अब इधर आ जाते हैं, कितना घना जंगल है, पौधा है ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से इस पौधे को देखेंगे, ये अनार का ही पौधा है। ये देखिए हम ढूंढ रहे हैं इसको, कहाँ है कहाँ है, हाँ देखिए हमें मिल गया, ये देखिए हमें मिल गया, एक ही है इसमें कली, ये देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये कली है, ये देखिए दो कली इसमें लगे हुए हैं। ध्यान से इसको देखेंगे तो इसको क्या करना है, अब बिना मतलब के तो इसे तोड़ा नहीं जाएगा, इसको तोड़ लेना है। अब टूट गया, गलती हो गई, टूट गया ये, तो इसको क्या करना है, आपको चम्मच या कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके इसको बारीक कूट लेना है और उसमें मिला लेना है, मिलाकर चम्मच के सहारे बच्चे के मुंह में डाल दीजिए, बच्चा बाहर फेंके नहीं, थोड़ा कसंदा लगेगा, बाहर फेंके नहीं, बच्चा इसे पी जाए। अब बच्चा जब रोने लगे तो माँ का दूध आप उसको पिला दे ताकि वो अच्छी तरह से घुट जाए, और दिन में ये
दिन में कम से कम 2 से 3 बार करें, 2 से 3 बार करें। ध्यान से देखेंगे ये पौधा, ये बीज मैंने तोड़ लिया है, तो आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं ये नुस्खा। फ़ायदा हो तो कमेंट करके हमें बताएं। हमारे देश में इसे अनार बोलते हैं, अनार की ये कली है, ध्यान रहे अनार की कली को ही आपको चूज करना है। इस तरह की छोटी 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 वाली कली होनी चाहिए, हरी हरी कली है, ये लाल वाला है। अनार 2 तरह की होती है, एक लाल एक हरी। हरी वाली कली ज़्यादा अच्छा होगा, ये भी काम करेगा लेकिन हरी वाली ज़्यादा काम करता है उसे, तो ध्यान दें इस बात का। और जब भी बच्चा रोए, इसको पिलाने के बाद ये थोड़ा कसेंदा लगता है, तो पीने के बाद बच्चा रोने लगे तो माँ अपने दूध उसको पिला देगी। इसको चम्मच से पिलाना है, दिन में 2 से 3 बार पिलाना है, और देखेंगे कि बच्चा लैट्रिन हरा हरा करेगा लेकिन सुधर जाएगा। दांत निकलने वाली जो परेशानी होगी ना, वो सुधर जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, और ये देखिए अनार का पौधा है, मैंने अभी तोड़ा है, ठीक है ना, इसे गौर से देखेंगे। ये देखिए ये पौधा है, इसको बारीक कूट कूट के चम्मच से हिला के, चम्मच से ही दें बच्चे को, और दांत निकलने में जो परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। और ज़्यादा लैट्रिन होता है तो बच्चा थोड़ा काफ़ी दवाइयाँ भी करते हैं, खर्च भी उठाते हैं, तो ये नुस्खा आप आजमा के देखेंगे तो बिल्कुल राहत ही मिलेगा, और बच्चे का स्वास्थ्य पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, बच्चा तंदुरुस्त होगा। लैट्रिन होने पे बच्चे के स्वास्थ्य पे भी बिगड़ जाता है, माताएं बहनें घबरा जाती है, तो ये नुस्खा आजमा के देखें, इससे हानि नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे और भी बेहतर बताऊँगा, इसके बारे में और भी फ़ायदे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये अनार के पौधे के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। एक वहाँ कली है, वो आप देख रहे हैं, छोटी सी कली है, देख रहे हैं, तो उसे मैं नहीं तोड़ूंगा। तो आपको 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करना है, और 1-2 दिन में ही कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और विशेष जानकारी के लिए ऑल इन वन चैनल 36 देखें। अगर किसी आदमी को किसी बात का संदेह है तो उनसे शेयर करें, और अगर ज़्यादा कोई बीमारी है, दवा खा रहे हैं, उनका इलाज संभव नहीं हो रहा है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर से बेहतर हम आपको उपाय बता देंगे। धन्यवाद।